हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्रा आपके साथ आपका मोस्ट वेलकम है अनअकैडमी स्टूडियो वॉल्ट पे गाइस। और मेरे बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। ये जो 10 AM वाला सेशन है ये आपका रिप्लेस होने वाला है और ये सेशन होने वाला है अब 2 PM पे। तो ये कब से होगा, ये मंडे ऑनवर्ड से हो जाएगा। ये हमारा सेशन यहां से हट जाएगा और 2 बजे दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो एक इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। तो बात करते हैं मेरे 2 कोर्सेज के बारे में जो मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि मेरे 2 कोर्स चल रहे हैं। एक हमारा एमसीक्यू फॉर आरआरबी एग्जाम्स एंड आईबीपीएस एग्जाम्स की बात हम कर रहे हैं, जहां पर हम टोटल मतलब हमारे पास हम मई जून जुलाई अगस्त मंथ बाय मंथ करेंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस के रिवीजन आपको करवा रहे हैं। और मेरा दूसरा कोर्स अपना चल रहा है डिटेल कोर्स ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये भी कोर्स हमारा चल रहा है प्रॉपर, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इन दोनों कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको मेरा अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना पड़ेगा, हमारा अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो अगर आपके पास अनअकैडमी का लर्निंग ऐप नहीं है तो उसे डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद चूज योर गोल, मतलब आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सा एग्जाम देने के लिए आ रहे हो। आप यहां पर बैंक एग्जाम पे क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने बैंक का पोर्टफोलियो खुल के सामने आ जाएगा। बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन, यानी कि बैंक एग्जाम को कैसे आपको ज्वाइन करना है, फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ। यानी कि अगर आप फीस पे करते हो तो आप इतने टाइम के लिए हमारा अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हो। 1 मंथ अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको 1200 रुपए देने पड़ते हैं, और अगर आप 24 मंथ के लिए ज्वाइन करते हो तो आपको 400 रुपए पर मंथ के हिसाब से देना पड़ता है, मतलब इतना पड़ेगा आपको। तो गाइज अगर मेरी बात समझिए, अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसे कोचिंग में पढ़ते हैं जहां पर मान लीजिए कम से कम 50 एजुकेटर पढ़ाते हैं, आपके पास कोई मतलब आपके पास ऐसा है बेटा कि आप इन 50 एजुकेटर की क्लास चाहो तो देख लो, आपको 50 में से कम 10 तो अच्छे लगेंगे, उनके नोट्स, उनके कंटेंट, और वो सारे इंडिया लेवल के। तो ये सब हम लोग के टाइम पर ये सब फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन वो आपके टाइम पे फैसिलिटी है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि पहले टॉप के एजुकेटर्स आपको बड़े शहरों मिलते थे, लेकिन अब आपके टॉप के एजुकेटर्स आपके घर पर आपसे मिल सकते हैं। बस करना क्या है आपको, आपको अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, गोल पे चूज करना है, बैंक एग्जाम पे आना है, ये जो दिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे क्या बोला, देखिए अब मेरी दूसरी बात समझिएगा। अब ये जो टॉप के एजुकेटर्स हैं ये आपको कॉन्टिन्यूअस पढ़ाते हैं तो ये अपने आप में भी इंप्रूवमेंट करते हैं। क्वेश्चंस एग्जाम आ रहे हैं तो अपने क्वेश्चंस बढ़ा देते हैं, क्वेश्चन को पहले बेसिक लेवल पे ले आते हैं फिर लेंथी लेवल पे ले आते हैं, कॉन्टिन्यूअस क्लास होती है। तो अगर आप 1 मंथ या 3 मंथ के लिए हमारा ये अनअकैडमी ज्वाइन करते हो तो आप ही नुकसान में जाओगे, क्योंकि ये मेरी गारंटी आपको दोबारा कोर्स ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो एटलीस्ट 6 मंथ के लिए या 12 मंथ के लिए आप अनअकैडमी का प्लस एप्लीकेशन हमारा मतलब अनअकैडमी जो प्लस कोर्स है वो ज्वाइन करिए। आप फॉर एग्जांपल 1 साल के लिए ज्वाइन करते हो तो आपको फीस कितनी मिलेगी, आपको फीस 6000 पड़ेगी। लेकिन जब ये पेज खुल के सामने आएगा ना तो आपको यहां पर एएम लाइव कोड डाल देना है, और इस कोड से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपका डिस्काउंट होकर 5400 रुपीज ही पड़ेगा। तो 1 साल का कोर्स, लेकिन जो मैंने आपको बताया इस 1 साल में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स की पूरी पूरी क्लासेस मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सबकी क्लासेस देखिए, सबके नोट्स, सबके कंटेंट, जो भी आपको करना है, मेगा क्विज होता है गाइस, लाइव क्विज होते हैं, मतलब जो इतना मटेरियल आपको मिल जाएगा कि कहीं से और पढ़ने की आपको जरूरत नहीं, और इस तरह का प्लेटफॉर्म कहीं आपको मिलेगा भी नहीं। चलिए गाइस, तो ये हमारा डेस्कटॉप वर्जन है एएम लाइव कोड, ठीक है, याद रखना है आपको एएम लाइव कोड, एडमिशन आपको लेना है, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। गाइज हमारे पास 2 साल का मॉडल भी है, और जो हमारा 2 साल का मॉडल है उसकी फीस 9600 रुपए, यानी 2 साल के लिए सेम चीज आपको मिलती है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया बात यही है, और अगर आप इस कोड के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको डिस्काउंट पड़ के 8640 ही पड़ेंगे। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो प्लान को अब एग्जीक्यूट कर लीजिए, बिकॉज आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम्स हैं, आईबीएस एग्जाम, उसके बाद फिर से एग्जाम शुरू हो जाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। तो मेरे हिसाब से 2 साल का प्लान काफी बेटर है, क्योंकि देखिए दिन ब दिन इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, और महंगाई बढ़ती तो ये भी बढ़ेगा। तो इससे अच्छा ये आज ही आप सब्सक्राइब कर ले तो आपको और फायदा इससे होगा गाइस। तो अब मॉडल पेपर सेट 7 की हम बात करेंगे आपके सामने। एक बात मैं आपको और बोलना चाहूंगा कि हाँ, ये जो एएम लाइव कोड है ये केवल बैंकिंग एग्जाम्स के लिए काम नहीं करेगा, कैट, यूपीएससी, रेलवे, एसएससी, कोई भी आप अगर एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हो तो आप एएम लाइव कोड से एडमिशन ले सकते हो मेरे, ठीक है। चलिए रामा हैप्पी बर्थडे बेटा, पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपको उसके आंसर देने फटाफट। तो फिर पानी पी लूं जल्दी जल्दी। महिमा बेटा एग्जाम्स चल रहे हैं और एग्जाम तक हमारा ऐसे ही चलता रहेगा सेशन,
और इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ, बंबल ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर। हम नासा की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड लार्जेस्ट लिफ्ट इरिगेशन स्कीम कलेश्वर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली इन विच स्टेट? यह भी आपको पढ़ाया गया, आंसर दीजिएगा। और आंसर क्या होगा इसका, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं एंड द आंसर इज तेलंगाना। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। हमको पता है ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इस बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की आपके सामने। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन इनॉग्रेटेड द एयर ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट सेंट्रल कमांड सेंटर रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट? ये आपको बताना है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन कौन है? आई थिंक हरदीप सिंह पुरी जी हैं। तो इन्होंने एयर ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट सेंट्रल कमांड सेंटर का उद्घाटन अभी कहां पर किया? न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई। आपको उसका सही आंसर देना है, देखते हैं आंसर क्या होगा। और महिमा बोल रही है न्यू दिल्ली, सारे बच्चे न्यू दिल्ली एंड द न्यू दिल्ली ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। तो न्यू दिल्ली इज राइट आंसर। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हैज लिफ्टेड द सैंक्शन imposed on India to host international sporting event. The present president of IOC, तो International Olympic Committee ने India पर ban लगा दिया है to host international sporting event. तो International Olympic Committee के head कौन है, यह आपसे पूछा गया। We have 5 options. सुष्मिता, thank you so much guys. आप लोग का बहुत धन्यवाद है। और वी है 5 ऑप्शंस, क्या इसका आंसर होगा? और आंसर की बात करें, आंसर इज थॉमस बाग, ऑप्शन नंबर 2, थॉमस बाग इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इंडिया हैज ओपन इट्स फर्स्ट स्पेशलाइज्ड हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट फॉर एलिफेंट सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस ज्वाइंट पेन एंड फूट एलमेंट्स इन विच सिटी? तो देख लीजिए, यह भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहां पर फर्स्ट लगा हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं यहां पर। गाइस मुझे एक बात बताइएगा, इसका आंसर दे लीजिए आराम से, पहले इसका आंसर पहले आराम से दे लीजिए, फिर मुझे एक बात बताइएगा। और मथुरा, जी हां आप लोग बोल रहे हैं मथुरा, मथुरा इज राइट आंसर। 10 AM का जो सेशन हमारा है, एक बात तो आप मानेंगे कि कंटेंट में तो अच्छा रहता है हमारा, कोई इसमें कमी तो नहीं है, लेकिन जैसे व्यूज आने चाहिए वैसे व्यूज नहीं आते। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं 2 बजे करूंगा, क्योंकि ऐसा बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सीए की बात थोड़े थक जाते हैं तो वो शो नहीं देख पाते। और मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में हैं, तो 2 PM पर सेशन क्या क्या आप चाहते हैं, और 1 घंटे का देखो सेशन होगा, ये मैं आपको पहले इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। मुझे एक टेलीग्राम ग्रुप पर पिंग कर दीजिएगा, ठीक है, कि मतलब कैसे होना चाहिए। मतलब जैसे हफ्ते में 6 दिन होते, तो 6 दिन मुझे क्या मटेरियल देना चाहिए, मैं ये आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि बच्चे मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। एक दिन लाइक बैंकिंग हो गया, एक दिन स्टैटिक हो गया, एक दिन करंट अफेयर्स हो गया, एक दिन हम क्या बात करें, 6 दिन हमें काम करना है, ठीक है, अच्छे से काम करना है। तो नहीं, कंटेंट पर तो मुझे भी कोई शक नहीं है, मुझे पता है। प्रियंका, 2 o'clock मतलब ऐसा होता है ना बेटा कि एक तो देखो लगातार मेरी भी क्लास होती है, मैं भी थक जाता हूं, मतलब 9 से 10 एक घंटे लगातार बोलना, फिर 10 से 11। दूसरा ये भी होता है कि मतलब थोड़ा सा टाइम भी मिल जाएगा 2 बजे करने का, कि मतलब और क्या हम इनोवेटिव चीज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कम्युनिटी आपको महिमा मिल जाएगी, आपको भी गैप मिल जाएगा बेटा, समझो ना इस बात को। मतलब 9 से 10 पढ़ लो पहले सीए, फिर अपना अपना काम कर लो, फिर दिन के 2 बजे फिर से पढ़ाई कर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर ले, आंसर देखिए। कोल्हापुरी चप्पल रिसीव द GI टैग रिसेंटली, दीज चप्पल्स आर प्राइमरली मेड इन विच स्टेट? ये आपसे पूछा गया, और इसका आंसर क्या होगा? और आंसर की बात करें, इसका आंसर क्या होगा? एंड द आंसर इज बोथ 3 और 4, मतलब कि महाराष्ट्र एंड कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक कोल्हापुरी चप्पल्स की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द IRDAI हैज नाउ अलाउड इंश्योरर टू इश्यू स्टैंड अलोन ओन डैमेज पॉलिसीज। तो देख लीजिए यहां पर ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, डैमेज पॉलिसीज।
तो आईआरडीएआई इज हेडक्वार्टर्ड इन, तो आईआरडीआई का हेडक्वार्टर कहां पे, ये आपसे पूछा गया। वी हैव फाइव ऑप्शंस और इसका आंसर सिंपल है, मैं आगे बढ़ा रहा हूं। इसका आंसर है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर। कुंडिया जिसके चेयरमैन है आपको यह भी पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन द एफ आई एच सीरीज फाइनल्स इन हिरोशिमा। देखिए एफ आई एच के दो टूर्नामेंट हुए फाइनल्स, एक हुआ आपका भुवनेश्वर में, ये मेल का हुआ, मेंस का हुआ, और एक हुआ आपका जापान में, ये फीमेल का हुआ। दोनों में इंडिया ने जीता, दोनों में इंडिया जीता, और शायद दोनों में इंडिया ने इंग्लैंड को हराया है ना। तो आंसर क्या होगा, आंसर इज इंडिया, ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट। United Nation Public Service Day की बात हो रही है, is observed every year on which date? We have five options, आपका answer क्या होगा देख लेते हैं यहां पर। हाँ एक बार, तिवारी जी हम तो आपको daily 100 question करवा रहे हैं, पर मंथ की क्या बात है। हाँ वो भी एक अच्छा option है। Actually तिवारी जी एक तो हमारा CA जो होगा उसमें हम ये सब कुछ कर सकते हैं, देखते हैं क्या करते हैं, करेंगे बढ़िया ही करेंगे। हम यहां पे वी आर रॉक स्टार, हम यहां हारने थोड़ी ना आए, हम यहां जीतने के लिए आए। एंड द आंसर इज 23rd जून, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल विडोज डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट। इंटरनेशनल विडोज डे की हम बात कर रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि मतलब एवरी ईयर ये किस डेट पर सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल विडोज डे सेलिब्रेट नहीं, ऑब्जर्व बोलेंगे। आइए आंसर की बात करें, क्या इसका आंसर होगा, और आंसर होगा 23rd जून। गाइस मैंने आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए और मैं आपसे चाहता हूं कि जब आप एग्जाम देके निकलें और एग्जाम देके निकलें और अगर आपको मेरे सेशन से फायदा हुआ होगा तो सारे के सारे बच्चे इसका एक वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और ये वीडियो बनाकर मुझे सेंड करेंगे। आपको इतना तो मेरे लिए करना पड़ेगा। और प्रियंका अगर आपका सिलेक्शन होता है, अगर क्या वो तो होना ही है, तो आफ्टर योर सिलेक्शन आपको अलग से एक वीडियो मुझे भेजना पड़ेगा बनाकर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 11। एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रेमवर्क ऑल लीडर्स हैव टू इंटर इनटू एन आईसीए इन केसेस वेयर अ रिजोल्यूशन प्लान इज टू बी इंप्लीमेंटेड। हियर द टर्म आईसीए मींस, तो आरबीआई फ्रेमवर्क के हिसाब से ऑल लैंडर्स है, लैंडर्स का मतलब उधार देने वाले, सभी बैंकों को आना पड़ेगा एक साथ आईसीए इन केसेस वेयर अ रिजोल्यूशन प्लान इज टू बी इंप्लीमेंटेड। तो यहां पर आईसीए का मतलब क्या, ये आपसे पूछा गया। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, ऑप्शन नंबर 2। तो यहां पर हम आईसीए की बात कर रहे हैं, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक टाइटल्ड फंक्शन ऑफ डेटा सोवरेनिटी द परस्यूट ऑफ सुपरमेसी हैज बीन को ऑथर्ड बाई हु अमंग द फॉलोइंग। तो यहां पर बुक की बात कर रहे हैं, बुक का नाम क्या है, फंक्शन ऑफ डेटा सोवरेनिटी द परस्यूट ऑफ सुपरमेसी। आपने पढ़ा होगा कई बार, आपको मैंने खुद ही पढ़ाया, और इसका आंसर क्या होगा देख लीजिए यहां पे गाइस। और आंसर की बात करें, आंसर इज विनीत गोयन का, ऑप्शन नंबर 1 विनीत गोयन का इज राइट आंसर। गाइज आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ तो मार्केट रेगुलेटर सेबी इज लाइकली टू कम आउट विथ गाइडलाइंस ऑफ डीवीआर। हियर द टर्म डीवीआर मीन्स, यहां पर डीवीआर का मतलब क्या है, सेबी डीवीआर लेकर आया और इसमें डीवीआर का मतलब क्या होता है, यह भी अच्छा पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। वीडियो कैसे बनाते हैं, मोबाइल होगा मेरे पास, फ्रंट कैमरा भी होगा मेरे ख्याल से, बस वीडियो बना लीजिए अपना सेल्फी लेकर और मुझे गूगल ड्राइव से या फिर से शेयर कर दिए मेरे साथ, व्हाट्सएप या कहीं पर भी। एंड द आंसर इज डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इज राइट आंसर। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज एज एचपीसीएल प्रमोटर रिसेंटली आफ्टर अ 15-month इम्पास। तो HPCL आपने नाम सुना होगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं। तो भारत सरकार ने इसमें से किस कंपनी को HPCL का प्रमोटर मान लिया है, ये आपको बताना है, प्रमोटर, ठीक है, आंसर दीजिएगा। वी हैव फाइव ऑप्शंस। शिवानी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए तो गाइस वी हैव फाइव ऑप्शन, आपका सही आंसर क्या हुआ देख लेते हैं एक बार। एंड द आंसर इज
ओएनजीसी ऑप्शन नंबर 5, ओएनजीसी याद रखेगा, ओएनजीसी ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ओएनजीसी इज राइट आंसर गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली पब्लिश अ रिपोर्ट ऑन रिलीजियस फ्रीडम विच मेड सर्टेन क्रिटिकल कमेंट रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया. तो किस कंट्री ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें यह बताया गया है कि इंडिया में क्रिटिकल कमेंट्स होते हैं रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ माइनॉरिटीज, मतलब ये वही है तोड़ो फोड़ो शासन करो वाली बात है. और इंग्लैंड तो कब खत्म हो गया, ये कौन करता है, ये आज के बाद कौन करता है, ये एक ही देश करता है, वो कौन करता है, यूएस करता है. गाइज आप लोग को ये जो अभी टर्की और सीरिया वाला मैटर जो है, क्या वो आपको क्लियर है क्या, यूएस वाला मैटर? USA is right answer. USA is right answer. Good morning, Kazal. देखिए, चलिए, next question. This country has come up with a program to charge 213, मतलब कि $213,000 for permanent residency. इन स्टेप टू बूस्ट इकॉनमी, यानी इतना रुपया दीजिए और इस कंट्री की आप परमानेंट मेंबर बन जाइए. ये कौन सा देश है ये आपसे पूछा गया और इसका आंसर आपको देना है. नहीं, कुछ कुछ है, थोड़ा पता है. अच्छा, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सऊदी अरेबिया. ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर गाइस. ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17. द हिंदुजास विल पंप अनदर रुपीज 2700 करोड़ इनटू व्हिच प्राइवेट सेक्टर बैंक थ्रू अ वारंट टू हाइक स्टेक इन द बैंक. हिंदुजा बैंक, हिंदुजा ब्रदर्स की बात हो रही है. इन्होंने 2700 करोड़ रुपए किस बैंक में डाले हैं ये आपसे पूछा गया और इस बैंक में इनका शेयर अब बढ़ जाएगा. मनीष वन सोनू, कौन सोनू बेटा? कौन सोनू, मुझे नहीं मतलब नाम कुछ ऐसे याद नहीं आ रहा. एंड द आंसर इज इंडसइंड बैंक, ऑप्शन नंबर 1. तो इंडसइंड बैंक इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने और आंसर देना है. विच स्टेट हैज कम आउट विथ अ यूनिक फ्लड हैजर्ड एटलस ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिक फ्लड इन इन इन्यूडेशन कैप्चर्ड थ्रू सैटेलाइट इमेजरी. तो इसमें से कौन सा स्टेट है जो कि यूनिक फ्लड हैजर्ड एटलस लेके आया है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिक फ्लड, मतलब कि इस स्टेट में जो फ्लड्स पहले आ चुके हैं, किस टाइम पर आए, कैसा वातावरण में आए, तो इस सब को लेकर ये स्टेट कौन सा, ये आपको बताना है. और आंसर क्या होगा, आंसर इज ओडिशा, ऑप्शन नंबर 3. ओडिशा इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर मिनिस्ट्री ऑफ मनीष, पता नहीं भाई, पता नहीं, मेरी स्टूडेंट मुझे नहीं मालूम. अरे रामा याद याद है बेटा, याद है. तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अश्विनी कुमार चौबे, द गवर्नमेंट हैज डेवलप अ नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान विद द गोल फॉर एंडिंग ट्यूबरक्लोसिस बाय. तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया था टारगेट्स, मैंने आपको पढ़ा था ट्यूबरक्लोसिस के. आंसर नहीं राजन, मुझे नहीं पता. And the answer is 2025, option number 5 is right answer. मैंने आज के अपने CMA targets आपके साथ शेयर किए थे, उसमें ये मैंने point कराया था. Next point. नहीं वैशाली, मुझे नहीं पता बेटा. The Reserve Bank of India launched a CMS application on its site recently for lodging complaints against banks and NBFCs. Here the term CMS means. ये भी अच्छा question है और exam में आने वाला question है. हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में आती. और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है. ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज प्रपोज टू कंस्ट्रक्ट मेकेडाटू डैम.
आंसर दे, आंसर दे फटाक जल्दी से, क्या इसका आंसर होगा? वी हैव फाइव ऑप्शंस, और अगर हाँ मैडी, मैंने इसीलिए तो बोला है कि एनएचबी को गवर्नमेंट ने ले लिया, इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का रेगुलेटर बन गया है। आंसर इज कर्नाटका, ऑप्शन नंबर फाइव इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट वर्धा, बेबाला, ये दो और जगह है, डैम्स हैज बीन सिलेक्टेड फॉर सेटिंग अप द फ्लोटिंग सोलर पैनल्स। मैंने आज आपको इंडिया का पहला फ्लोटिंग पावर प्लांट ऑन विच डैम पढ़ाया है, शायद आपको याद होगा, अगर याद है कमेंट करिएगा जरा मुझे। अब वर्धा कहां पे है? नाम से मालूम चल रहा है वर्धा महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर। वर्धा आई थिंक नागपुर के पास है, क्यों प्रियंका? यही है ना वर्धा, नागपुर के पास है। नेक्स्ट, दिस कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट अरब कंट्री टू बी ग्रांटेड फुल मेंबरशिप ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। और आपको पता है ये देश 39वें नंबर का देश बन गया है, और ये देश कौन सा, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। मनीष भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गौरव ने पूछा है कि सर एक बार पैरा बैंकिंग और यूनिवर्सल बैंकिंग में डिफरेंस, ठीक है बेटा, इसका आंसर क्या, इसका आंसर सऊदी अरेबिया। गाइस देखिए देखिए देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरा बैंकिंग एंड यूनिवर्सल बैंकिंग में डिफरेंस क्या है, ये मैं आप लोग को बता दूं, ठीक है, बहुत सिंपल सा है, एकदम दिमाग यहां पर लगाइएगा थोड़ा, एकदम दिमाग, ठीक है। चलिए, मैं पहले एक छोटा मोटा बिजनेसमैन हुआ करता था, मैं एक बिजनेसमैन था, और मैं अपने शॉप से केवल मैगी बेचता था, एक्स बेचता था, और केवल सोप बेचता था। अचानक क्या हुआ, मुझे कहीं से पैसा मिल गया, और मैंने क्या किया, मैंने अपने शॉप को और बढ़ा दिया। अब मैं मैगी भी बेचता हूं, अब मैं एग भी बेचता हूं, अब मैं सोप भी बेचता हूं, अब मैं वॉशिंग पाउडर भी बेचता हूं, अब मैं ब्रेड बेचता हूं, अब मैं बटर बेचता हूं, अब मैं जैम बेचता हूं। यूनिवर्सल बैंकिंग, पैरा बैंकिंग, आई थिंक इससे डिफरेंस क्लियर हो गया। जरा मुझे कमेंट करें क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। यूनिवर्सल बैंकिंग का मतलब बेटा सारे के सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल करना, पैरा बैंकिंग का मतलब सारे नहीं कुछ करना, ठीक। देख लीजिए डिफरेंस क्लियर हुआ कि नहीं। पिल्लू बहुत दिनों के बाद दिखे हो भाई, आंसर दीजिए, क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं, पैरा बैंकिंग और यूनिवर्सल बैंकिंग? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसका क्वेश्चन था किसने पूछा था, गौरव ने पूछा था, गौरव ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सूर्य प्रकाश इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। तो हमको बताया गाइस, सूर्य प्रकाश की बात करें तो सूर्य प्रकाश जो है ये प्रसार भारती के चेयरमैन है। अब बात करते हैं प्रसार भारती, तो हम डीडी न्यूज, डीडी की बात कर लेते हैं। तो डीडी में दो लोगों के नाम पे अवार्ड निकाला गया है, एक जिनका डेथ हो गया है, और एक और अवार्ड, इसे क्या आप लोग जानते हैं, जिनका डेथ हो गया उनके नाम पे कौन सा अवार्ड निकाला गया? ऐसे रिविजन की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। चलिए इसका आंसर रिवाइज कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओवर 30.6 लाख पर्सन हैव बीन एनरोल्ड सो फॉर अंडर प्रधानमंत्री SYM स्कीम। कितने लोग, 30.6 लाख, ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। द टर्म PM SYM स्टैंड फॉर प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद यहां पे एस का गैप है, योगी मानधन स्कीम। तो प्रधानमंत्री क्या, एस का मतलब क्या, ये आपसे पूछा गया। नीलम शर्मा वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चे। और यहां पे ओमकार बोल रहे हैं श्रम, विनोद बोल रहे हैं श्रम, एंड द राइट आंसर इज श्रम, ऑप्शन नंबर वन। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम के बारे में हम बात कर रहे हैं गाइस। आपके एग्जाम में नंबर, नंबर ऑफ इनरोल पर्सन पूछा जा सकता है, 13.6 लाख पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पीस म्यूजियम वॉज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट रिसेंटली टू कमोमरेट 75th एनिवर्सरी ऑफ द बैटल ऑफ इम्फाल। अब देखो ये तो सिंपल सी बात हो गई कि बैटल ऑफ इम्फाल, तो इम्फाल किस देश की राजधानी, ये आपको पता ही है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस कंट्री ने ये गिफ्ट किया है, कौन सा देश है, टीआरवाई कंट्री जिसने गिफ्ट किया।
ठीक है, आंसर सही है, मणिपुर ठीक है, बिल्कुल सही है। अब मुझे बताइए कि कौन सी कंट्री ने इसे गिफ्ट किया था। कंट्री की बात करेंगे जापान। राजन आपका भी सिलेक्शन होगा, सिडनी का तो होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हैज फाइल्ड हिज नॉमिनेशन फॉर राज्यसभा एज भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट फ्रॉम विच स्टेट। तो गाइज मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया हम लोग बात कर चुके हैं उस पर, तो यह भी आपको पता होगा। फराज खान बेटा वीडियो बना हुआ है, अभी मिल जाएगा, थोड़ी देर को मिल जाएगा। एक्चुअली जब वीडियो अपलोड होता है ना तो उसके बाद कुछ टाइम लगता है, फिर से ये गायब हो जाता है कुछ दिन के लिए, कुछ देर के लिए फिर आता है। और आंसर क्या होगा, गुजरात, ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हैज फॉर्मली ओपन्ड इट्स न्यू हेडक्वार्टर्स इन विच कंट्री एग्जैक्टली 125 ईयर्स आफ्टर ओलंपिक गेम्स वॉज रिवाइव। देखिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर पहले भी लुसाने में था और आज भी लुसाने में है, बस बिल्डिंग चेंज हो गई है। और लुसाने कहां पड़ता है, लुसाने स्विट्जरलैंड में ही पड़ता है, तो आंसर क्या होगा 4। तो लुसाने में ही आज भी इसका हेडक्वार्टर है, नया बिल्डिंग बन गया, तो कहीं ये मूव नहीं हुआ है, वहीं अपनी जगह पे ही है। ओके नेक्स्ट पॉइंट, हु अमंग द फॉलोइंग रिसाइन एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई रिसेंटली। तो आपको पता है कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन से रिजाइन कर दिए हैं, वो तो ठीक है, वायरल आचार्य। अब बचे तीन डिप्टी गवर्नर। तो इन तीनों डिप्टी गवर्नर के पास देखो, पहले चार थे, एक चला गया, आपने टाइम एंड वर्क पढ़ाई है तो एक चला गया, तो एक जाने के बाद इन तीनों के ऊपर कितने कितने डिपार्टमेंट का प्रेशर आ गया, जरा मुझे बताइए इन तीनों के ऊपर कितने कितने डिपार्टमेंट का प्रेशर आ गया। प्रेम हमारी क्लास बेटा 9 से 10 होती है करंट अफेयर्स की और 10 से 11 होती है हमारी मतलब ये अभी आरआरबी के एग्जाम तक हम रिवीजन की ही बात करेंगे, ठीक है। और हर इन तीनों के ऊपर 12-12 डिपार्टमेंट का प्रेशर आ गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER इज अ नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक ऑफ इकोनॉमिक विच इज बेस्ड इन। तो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च का हेडक्वार्टर क्या है, तो न्यू दिल्ली। आप मुझे इस बता दीजिए कि इसने इंडिया की जीडीपी को फॉर 2019-20 कितना प्रोजेक्ट किया है, बस इसका आंसर दे दीजिए, बस और कुछ नहीं जानना है। आंसर गौरव क्यों नहीं आ सकते हैं बेटा, क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। इसका मुझे आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु हैज द रिसोर्सेस टू रिपे द लोन बट डज नॉट डू सो इंटेंशनली एंड डिप्लॉय द मनी फॉर पर्पस अदर देन इंटेंटेड इस टर्म एस। तो एक व्यक्ति है जिसके पास पैसे हैं बट वो पैसे वापस करना नहीं चाह रहा है, वो अपने पैसे कहीं और इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, ये बैंकिंग टर्म एग्जैक्टली में इसे हम बोलते हैं विलफुल डिफॉल्टर। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, मतलब जो अपनी इच्छा से अपने आप को बोल देते हैं कि भाई हम इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, तो विलफुल डिफॉल्टर ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस प्लेस इज गेट अ डेडिकेटेड इन हाउस डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स बाय सेप्टेंबर 2020। तो ये प्लेस काफी ऐसी जगह पे है जहां पे पहाड़ियां वहाड़ियां हैं और कभी भी डिजास्टर आ सकता है, तो उसको रोकने के लिए पहले से ही एक डिजास्टर प्रोटेक्शन फोर्स होगा और सितंबर 2020 से आ जाएगा। ये वही प्लेस है जिसने इस बार स्वच्छता अवार्ड जीता है, है ना। तो वैष्णो देवी श्राइन जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डेज पर है और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 26 जून, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ओके लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 34। तो इंडियाज जूनियर वुमेन पुगलिस्ट क्लिंच 7 मेडल एंड द टीम वॉज एडजस्ट द बेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट इन द ब्लैक फॉरेस्ट कप। देखिए गाइस अगर हम ब्लैक फॉरेस्ट कप की बात करें तो ब्लैक फॉरेस्ट कप जो है ये बॉक्सिंग का टूर्नामेंट था, बॉक्सिंग का, पहले एक बात याद रखिएगा, ठीक है। इंडिया ने 7 मेडल जीते, ये जूनियर लेवल का था, ये जूनियर लेवल का था, ये भी देख लीजिएगा। और ये कहां पर हुआ, अगर मैं ठीक हूं तो ये जर्मनी में हुआ, आई थिंक ये जर्मनी में हुआ। तो ये सब पॉइंट है।
अगर कोई क्वेश्चन आपको मिलता है या करंट अफेयर्स में कोई पॉइंट ऐसा मिलता है कि जो कि टफ है और आप इसलिए छोड़ लो कि वो टफ है, तो उसे छोड़िए मत। उसको आप इजी कैसे बना सकते हो, ये आपको समझना है। चलिए, आंसर इज जर्मनी, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। विद द इंक्लूजन ऑफ सऊदी अरेबिया द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स इन द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो हम इसकी बात कर ही चुके हैं, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 39 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स ऑफिशियली नोन एज द कॉमनवेल्थ गेम्स 22वां है, इज शेड्यूल टू बी हेल्ड इन, तो ये कहां पर होगा, ये भी हमको बताइए कहां पर होगा, ये बर्मिंघम में होगा, इंग्लैंड में होगा, ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे। तो इंडिया हैज प्रपोज टू होस्ट द 2023 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन इन विसिटी, आईओसी विल चूज द होस्ट सिटी फॉर द 2030 विंटर ओलंपिक इन द सेशन। तो इंडिया ने 2023 का इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन को होस्ट करने के लिए मतलब बोला है, क्या इसका आंसर होगा, देख लीजिए यहां पर 2030 विंटर ओलंपिक की बात कर रहे हैं। आप बस मुझे इतना बता दिए कि 2022 में जो विंटर ओलंपिक होने वाला है वो कहां पर होने वाला है, इतना बस बता दिए मुझे बस, ठीक है। इसका आंसर होगा मुंबई, वो ठीक है। और मैंने आपसे पूछा कि 2022 का विंटर ओलंपिक किस देश में होने वाला है, इतना आपको मालूम है तो अच्छी बात है। तो 2022 का विंटर ओलंपिक कहां पर होने वाला है, चाइना में होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following countries is going to introduce mandatory dope test for government job to be implemented in phases? यानी किस देश ने गवर्नमेंट जॉब के लिए डोप टेस्ट को अनिवार्य कर दिया अपने देश में? ये पांच देश है, ये पांच ऑप्शन है। ये वही देश है जहां पर पूरे दुनिया का सबसे बड़ा बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी इंस्टीट्यूट ओपन हुआ है। ये वही देश है जहां पर रिलायंस को प्रोजेक्ट मिला है फॉर पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये देश कौन सा है? ये देश है आपका बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। हाँ, 2026 इटली में होगा, जी हाँ, मिलान और एक और शहर है ना जो। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया वन हाउ मेनी मेडल्स एट द इंडिया ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट हेल्ड इन गुवाहाटी रिसेंटली। तो इंडिया ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये बॉक्सिंग का टूर्नामेंट था जी, है ना, और इंडिया ने 57 मेडल जीते, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये बॉक्सिंग का टूर्नामेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉर्पोरेशन बैंक हैज लॉन्च कॉर्प एसएमई सुविधा अ प्रोडक्ट फॉर जीएसटी रजिस्टर्ड एमएसएमई, द बैंक इज हेडक्वार्टर इन। तो बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है, ये आपसे पूछा गया है, वी हैव 5 ऑप्शंस। ठीक है, तो कॉर्पोरेशन बैंक की बात करें, इसका हेडक्वार्टर मैंगलुरु में है, लेकिन आपको लर्न क्या करना है, कॉर्प एसएमई सुविधा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीआईसी इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, हियर द टर्म सीआईसी मींस। मुझे आप एक क्वेश्चन का आंसर और दीजिएगा, सीआईसी के लिए जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी को लीड कौन कर रहा है, उस कमेटी को लीड कौन कर रहा है, मुझे आप ये भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा, सीआईसी कमेटी को लीड कौन कर रहा है। ठीक है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी इज राइट आंसर, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी इज राइट आंसर। कमेटी को लीड कौन कर रहा है सीआईसी के लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जी पल्लवी बिल्कुल सही, तपन रे इज राइट आंसर, तपन रे गिफ्ट सिटी के एमडी भी हैं, आपको पता ही है। आइए नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज दैट इंप्रूव जेंडर डाइवर्सिटी परफॉर्म बेटर, द ILO इज हेडक्वार्टर्ड इन। तो ILO का हेडक्वार्टर कहां पे? तो ILO ने एक रिपोर्ट निकाली है कि कौन सा देश और कौन सी कंपनीज जो हैं वो जेंडर डाइवर्सिटी में अच्छा काम कर रही हैं, कौन सा बुरा काम कर रही हैं। तो ILO का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो स्टार्टिंग इंटरनेशनल से है, खत्म ऑर्गेनाइजेशन पे है, तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस कंट्री हैज बिकम द सेकेंड कंट्री इन साउथ अमेरिका टू बी सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर पराग्वे। पराग्वे गाइस, पराग्वे हो गया, उरुग्वे हो गया, ये सब क्या है? ये सब आपके अमेरिकन कंट्री कंटिनेंट में आते हैं।
तो आपको बताना है कि दूसरा देश आफ्टर पराग्वे, साउथ अमेरिकन कंट्री, जो कि मलेरिया फ्री घोषित कर दिया गया है, इसका आंसर क्या होगा? एंड द आंसर इज अर्जेंटीना. वेरी गुड, बहुत अच्छे प्रियंका, विशाल बहुत अच्छे. अर्जेंटीना इज राइट आंसर. ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर. ब्यूनस आयर्स एंड पेसो. नेक्स्ट क्वेश्चन. नवीन पटनायक लीड बीजू जनता दल वॉन द असेंबली. तो आपको पता है कि पटनायक मतलब ओडिशा. ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडस्ट्रीज इन चाइना हैव बीन फाउंड रिलीजिंग ओजोन डिप्लेटिंग सीएफसी 11 गैसेस. सीएफसी वेयर बैंड इन 1987 बाई द. तो जो चाइना की इंडस्ट्रीज हैं वो कुछ ऐसा प्रोडक्शन कर रही हैं कि वो बड़ा ही खतरनाक, मतलब ऐसी गैस जो कि ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है, उसका नाम है सीएफसी 11 गैस. तो वो एमिशन अभी भी कर रही है, जो कि इस प्रोटोकॉल के बाद बैन कर दिया गया था. वो कौन सा प्रोटोकॉल था? ये कौन सा प्रोटोकॉल है? महिमा बोल रही है बेसल, प्रियंका कुमारी बोल रही है मॉन्ट्रियल, और प्रियंका भी बोल रही है मॉन्ट्रियल. एंड द आंसर इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं आपसे. ठीक है, नासा. नासा हैज अनविल्ड द कैलेंडर फॉर द आर्टेमिस प्रोग्राम दैट विल फैसिलिटेट लैंडिंग ऑफ एस्ट्रोनॉट ऑन. 50वें क्वेश्चन पे हम थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा मैं आपको एक बात करूंगा आपसे, फिर हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, एक मिनट का गैप लेंगे बस. और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मून होगा. ऑप्शन नंबर 4 मून इज राइट आंसर. ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं आपके सामने. देखिएगा यहां पर, द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. International Day for Biological Diversity is observed every year on which date? The International Day for Biological Diversity is observed every year on which date? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 22nd में है. ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, ये आपसे पूछा गया. वी हैव 5 ऑप्शंस. क्या इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं कमेंट पे आपके लोग. ठीक है, और आंसर की बात करें गाइस, आंसर इज नरेंद्र बत्रा. ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस सिटी वॉज सेलेक्टेड एज होस्ट सिटी ऑफ द, चलिए आगे आंसर, 2026 विंटर ओलंपिक एट द 134th इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी सेशन इज लुसाने स्विट्जरलैंड. तो आपको पता है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मिलान हो जाएगा, कोटिना हो जाएगा, इटली. ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. संजय हेलो, प्रफुल्ल पटेल बेटा नहीं, प्रफुल्ल पटेल कैसे हो जाएगा, है ना. नेक्स्ट पॉइंट, मेहुल चौकसी इज लाइकली टू बी एक्सट्राडिक्टेड टू इंडिया फ्रॉम एंटीगुआ एंड बारबुडा. द कैपिटल ऑफ एंटीगुआ एंड बारबुडा इज, तो क्या है ये देख लीजिए, और करेंसी भी मुझे आप बता दीजिएगा. यहां पर हम एक मिनट का गैप लेंगे, थोड़ा मन की बात करेंगे. मैं आपको एक चीज बताऊंगा आज, देखते हैं, हो सकता है आपको पसंद आए चीज, आपके काम आ जाए बातें. ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर है सेंट जॉन्स. ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर. ठीक है, देखिए ठीक है, अब गाइस बात करते हैं स्पीड टेस्ट की. देखिए, किसी भी स्पीड टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाना बहुत इजी है. कैसे? बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने स्पीड टेस्ट निकालते हैं, नाम मैं लूंगा नहीं बिकॉज नाम को पता है. ठीक, देखिए, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहे हैं, आप उसके करंट अफेयर्स देख रहे हो, आप उसके एजुकेटर्स की क्लासेस देख रहे हो, क्वेश्चंस देख रहे हो, तो एक बात तो मैं पहले आपको समझाऊंगा, मैं अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म को क्यों इतना अप्रेज करता हूं. एग्जैक्टली मैं अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म को अप्रेज नहीं करता हूं, मैं अप्रेज करता हूं अनअकैडमी प्लस पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की. बिकॉज आपके सामने जो भी कंटेंट मिलता है ना आपको, वो कंटेंट हमने खुद डिजाइन किया हुआ है, और जो हमने खुद डिजाइन किया हुआ है उस पर मेहनत लगती है, और मेहनत हमेशा सफल जाती है. क्योंकि मैं, आप लोग मुझे जानते हो, मुझे, मैंने काम किया, मैंने कॉर्पोरेट लेवल पे काम किया इस इंडस्ट्री में, तो मुझे पता है कैसे आपको क्वेश्चन मिलते हैं. और किसी अलग चैनल पे आप जाएंगे तो जो भी एजुकेटर्स पढ़ाते हैं ना, जो भी पढ़ाते हैं यूट्यूब पर या कहीं पर पढ़ाते हैं पेड बैचेस में, मैं आपको बता दूं, देखिए सबका अपना डेटाबेस होता है, सबका अपना डेटाबेस होता है, क्योंकि एक कंपनी है, एक कंपनी है जो कि आपको ऑनलाइन स्पीड टेस्ट भी करा रही है,
जो आपको एप्लीकेशन पे या साइट पर क्वेश्चंस भी दे रही है और जिसने क्या किया, जिसने ऑनलाइन पढ़ाती भी है एजुकेटर्स के थ्रू। तो बेटा होता क्या है ना कि कंटेंट इतने जल्दी जल्दी कंज्यूम होता है ना कि वही क्वेश्चन स्पीड टेस्ट में, वही क्वेश्चन कभी ना कभी एप्लीकेशन पे पीडीएफ पर, वही क्वेश्चन क्लास में आपको मिल जाएगा। अब क्या हुआ कि किसी एजुकेटर को आप फॉलो कर रहे हो, उसने आपको पढ़ाया और वो पढ़ के आप उसी इंस्टीट्यूट के स्पीड टेस्ट पे गया और वैसे क्वेश्चन बन गया। तो कहने का मतलब कि स्पीड टेस्ट अगर आप कोई एक लगा रहे हो ना, तो आप फिर क्या हो, आप गलत रास्ते पर हो, आप गलत ट्रैक पर हो, क्योंकि आपके स्पीड टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ जाएंगे फिर। क्योंकि मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दिया, हर कंपनी के पास डेटाबेस होता है एक्सेप्ट अनअकैडमी, क्योंकि अनअकैडमी में टेस्ट सीरीज का इतना बड़ा स्कोप नहीं, इतने ज्यादा एजुकेटर। तो अनअकैडमी के जो एजुकेटर्स हैं उनका कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा ही, बिकॉज वो खुद का उनका कंटेंट होता है, हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं है, हम कहीं से उठा नहीं सकते। लेकिन हर कोचिंग के पास, हर कंपनी के पास डेटाबेस होता है जहां से क्वेश्चन उठते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरा मूड क्या कि मुझे आज पढ़ाना है बजट, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कंपनी के डेटाबेस पर जाऊंगा, टैग लगाऊंगा बजट, सर्च मारूंगा, सारे क्वेश्चन मेरे पास, मैंने कोई मेहनत नहीं की और मैंने आपको पढ़ा दिया। लेकिन मुझे यहां पढ़ाना है अगर, तो फिर, और हाँ, अनअकैडमी का एक प्रूफ एक वो भी है, अनअकैडमी ने हमसे कॉन्ट्रैक्ट भी किया हुआ है कि अगर कहीं पर कॉपीराइट का चक्कर आया तो फिर हमारे साथ बुरा होगा, है ना। तो ये भी है, तो हम कॉपीराइट वाला काम भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दिक्कत आती है हमारे साथ। तो मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि वी आर वेरी हार्ड वर्किंग या अनअकैडमी मतलब बहुत ये है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप स्पीड टेस्ट के मार्क्स से सेटिस्फाइड या डिससेटिस्फाइड है तो मेरी बात समझिएगा। अब देखिए, जो लोग डिससेटिस्फाइड होते हैं, मान लीजिए मैं ए कंपनी को फॉलो करता हूं पढ़ाई के लिए और बी कंपनी का स्पीड टेस्ट लगाता हूं, तो बी कंपनी के स्पीड टेस्ट में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। और अगर मैं ए कंपनी को फॉलो कर रहा हूं, उनके ऐप फॉलो कर रहा हूं, उनके पीडीएफ फॉलो कर रहा हूं, उनके क्वेश्चन फॉलो कर रहा हूं, तो मेरे उनके स्पीड टेस्ट मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि देखिए, जो भी खर्चे आप करते हैं ना मतलब अपने ऊपर, अगर उसका आप 30-40% खर्चा केवल अपने पढ़ाई पे करेंगे तो आप इंसान बन जाएंगे। आपके पेरेंट्स आपको कहीं मना नहीं करेंगे, पैसे खर्च पढ़ाई के लिए मत करो। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि स्पीड टेस्ट आप कम से कम 2-3 लीजिए, क्योंकि इससे आप फायदे में रहेंगे। आप फॉलो करेंगे एक को, लेकिन स्पीड टेस्ट आप लाएंगे और, तो आपको मालूम चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। इंडिया में मैक्सिमम बच्चे, एक जो कोचिंग है ना, आपने सुना होगा नाम उसका, मैं इस कोचिंग की बुराई नहीं कर रहा हूं, सबसे ज्यादा बच्चे इनके पास है ऑफलाइन, लेकिन सबसे कम सिलेक्शन का क्यों है बेटा? क्योंकि पता है ये बच्चों को इतना बांध देते हैं ना कि नहीं, आपको हमारे स्पीड टेस्ट लगाने हैं, आपको हमारे कंटेंट लगाने हैं, तो बच्चा इन्हीं का स्पीड कर रहा है, इन्हीं का क्लास ले रहा है, सब कुछ, तो स्पीड टेस्ट में बड़े अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन वॉट अबाउट सिलेक्शन? आई थिंक आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। तो अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज मुझे बता दें या सुन आए, हम आगे बढ़ेंगे फिर अपने सेशन पे, ठीक है। नहीं पुरंजन, ये सब वीडियो डिलीट नहीं होंगे, मैं बच्चों के साथ कभी ऐसा कुछ करता नहीं हूं। सबके टेलीग्राम के चैनल पे हम लोग के करने जाते हैं, लोग ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन मेरा टेलीग्राम पूरा फ्री है, मुझे कोई थोड़ी ना करना कंपटीशन यार। मेरा कंपटीशन और मेरा जज, केवल मेरा कंपटीशन मेरे से, और मेरा जज कौन है? केवल ऊपर वाला, जो मुझे जज करेगा कि मैंने कितने कैसे मैंने क्लासेस ली हैं, और कोई जज करने वाला नहीं है मुझे, ठीक है। हाँ प्रियंका, बिल्कुल। तो ये सब देखो, मैं हमेशा बोलता हूं ना कि मतलब स्पेशली आप देखेंगे ना बेटा कि सिलेक्शन में सबसे आगे साउथ इंडियंस होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि साउथ इंडियंस थोड़ा डेटा पे वर्क करते हैं, और हम जो ये नॉर्थ इंडियन है, इधर के लोग ना, हम लोग डेटा पे वर्क नहीं करते। कैसे? मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। अच्छा, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से अपने दिल से पूछना, लास्ट ईयर जितने भी एग्जाम्स हुए थे, बैंकिंग एग्जामिनेशन जितने भी हुए थे, आईडीबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, क्या आपके पास सारे पेपर्स हैं? और क्या आपने सारे पेपर का डेप्थ एनालिसिस किया? जरा मुझे बताइए, यस और नो, जरा मुझे बताइए, आपको खुद मालूम चलेगा कहां पे कमी होती है। जो मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे गाइस, क्या आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जो मैंने पूछा कि क्या आपने पिछले लास्ट ईयर के सारा, मतलब मैं जीए की बात नहीं कर रहा, मैथ रीजनिंग इंग्लिश, ये महेंद्र नगर, फिर आपके पास इंफॉर्मेशन कम है, आपके पास इंफॉर्मेशन कम है,
नॉर्थ वाले ज्यादा सेलेक्ट होते हैं। अगर आप कंपैरिजन करें वैकेंसी, कितनी वैकेंसी नॉर्थ में कितनी साउथ में, आप देख लेंगे उठाकर। आप देख लो ना, हर बैंक के चीफ साउथ इंडियन क्यों बनते हैं, इवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिडनी थैंक यू सो मच। कहां पे कमी है वो देखो ना। अब देखो कल क्या हुआ, एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा। मैं उस बच्चे की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर एक बात बताइए कि क्या आईबीपीएस पीओ का और आईबीपीएस क्लर्क का पैटर्न अलग होता है। अब यार ये तो ऑफ कोर्स है कि पीओ का लेवल टफ होगा, क्लर्क का थोड़ा सिंपल होगा। हमें कुछ भी हो सकता है एग्जाम में, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप पढ़ाई करने के लिए आए, अगर आप अपना करियर बनाने के लिए आए हो, तो व्हाई यू आर सिलेक्टिव? आप इतने सिलेक्टिव कैसे हो सकते हैं? मुझे नहीं समझ आता। अगर भाई मुझे पता है कि मुझे इस चीज के लिए मेरा ये फ्यूचर डिपेंड करता है इस पर, अगर मुझे ये पता है, मैं सिलेक्टिव कैसे हो सकता हूं? मतलब सोचो जरा कि स्टैटिक जे की, मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, हमें पता है कि कम से कम एक नंबर का तो स्टैटिक आना ही आना है, एक नंबर का आना ही आना है। हम क्यों नहीं पढ़ते स्टैटिक? हम क्यों खेलते हैं अपने भविष्य के साथ? क्योंकि हम कभी अपनी नहीं सुनते हैं। हम पढ़ना शुरू करेंगे, एक बंदा आएगा, वो हमसे क्या बोल देगा, अरे छोड़ो यार ये सब थोड़ी ना, कि मैं परेशान हूं। अब वो बोल के निकल गया, आपने कहा हाँ सही बोल रहा है, ये बहुत अच्छा बच्चा, ये बहुत सही बंदा है, ये सही बोल रहा है, और हमने वहां पर ड्रॉप कर दिया। यार अपना प्लान करो ना, अपनी स्टडी बनाओ ना। क्यों, कब तक? यही तो लूजरों की निशानी है। एग्जैक्टली मैं यही लूजरों की निशानी है। आप दूसरों की बातों से जो मोटिवेट हो जाते हैं तुरंत। एक मैं आपको एक अपना एग्जांपल दूंगा। इसके पहले मैंने बनाया था एक बैच, जब मैं इसके पहले वाले कंपनी में था, वहां पर मैंने ग्रुप बनाया हुआ था, ठीक है, स्टेट व्हाट्सएप ग्रुप। मैंने उसे तुरंत रिमूव कर दिया जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्वेश्चंस थोड़े घुमाकर आए थे, और कोई भी खड़ा होकर यह बोल दे, मैं तो बोल रहा हूं आपसे कि कम से कम 27 क्वेश्चन मेरे सेशन से आए थे। कोई खड़ा होकर बोल दे, क्योंकि क्वेश्चन घुमाया हुआ था। अब उसमें क्या हुआ कि एक बच्चे ने ग्रुप पे कमेंट किया कि क्वेश्चन जो आए थे वो इस चैनल से आए थे। मैंने तुरंत से पूछा कितने क्वेश्चन आए थे चैनल से, तो उसने बोला सर मैंने एक ही देखा था। अब देखो कैसे बातें घूमती हैं, कैसे बातें घूमती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसने मेरे में और उससे कंपैरिजन किया, कैसे बातें घूमी। अब जो उससे और बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, वो कैसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये सब आपको सोचना ही नहीं, कौन सा चैनल, आपको पूरी पढ़ाई करनी है, आपको डेली पढ़ाई करनी है, आपको हर वो काम करना है जो आपको सिलेक्शन के पास ले जाता है। अब चाहे आप ए चैनल पढ़ो, चाहे आप बी चैनल पढ़ो, डजंट मैटर, ये बिल्कुल मैटर नहीं होता। और पढ़ाई में आप कभी फेवरेटिज्म मत रखिएगा कि ये हमारा, ये बढ़िया इनसे मेरा, तो हम इनसे पढ़े। पढ़ाई में आपको इनसे भी बढ़िए, उनसे ही पढ़िए। यही तो चलाक लोग करते हैं यार, और निकल जाते सिलेक्शन के लिए, पहली बात। दूसरी बात, बेस्ट कंटेंट जहां मिले वहां से पढ़िए। तीसरी बात, आप अपना दिमाग लगाइए, किसी और का दिमाग मत लगाइए। भाई मैंने ऐसे चैनल देखे हैं जहां पर पढ़ाई के नाम पर कूड़ा है, और वहां पर लाइव की बात करें, कम से कम 10,000 लाइव। और ये 10,000 लाइव क्यों होते हैं पता है? क्योंकि मजा आता है लोगों को उसमें। वो आप लोग की भाषा में एक वर्ड मैं यूज नहीं करूंगा, इसमें मजा आता है लोगों को। तो कहने का मतलब, क्यों यार, क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो? आप जिस परसेंटेज की बात करो, जो प्रॉफिट लॉस की बात करो, यार ये तो कक्षा 8-10 में पढ़े हैं हम लोग। आपको क्या लगता है कि मैथ बहुत टफ आती है? मैथ टफ नहीं आती, कैलकुलेटिव आती है। मतलब पूरी जिंदगी हम लोगों ने, मतलब ये हिस्ट्री ज्योग्राफी, भाई कक्षा 7-8 का सिलेबस हमसे पूछा जाता है, और हम इतना प्रेशर ले लेते हैं अपने ऊपर ना, अरे इतना हम कैसे पढ़ पाएंगे। अरे क्यों नहीं पढ़ पाओगे यार, इंसान हो, मेहनत तो करो। हम लोग 7-7 घंटे क्लास लेते हैं, रात में 3 बजे सोते हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं, केवल आपके लिए हम कर रहे हैं ना ये काम, आप क्यों नहीं करेंगे अपने लिए? तो यार ये जो मतलब माहौल ऐसा, मतलब मैं देखता हूं ना बच्चों को, मुझे बहुत दया आती है। मुझे लगता है यार क्या ये बच्चे हैं। सोचिए आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आप हाई स्कूल लेवल की तैयारी कर रहे हो, आप पीजी कर चुके हो और आपको टफ लग रहा है। मतलब क्या रविश है, क्या चीज है, मुझे समझ में नहीं आता। हाँ मैं ये सबको नहीं बोल रहा हूं, कुछ एजुकेटर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं और बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, मैं उनको नहीं बोल रहा हूं, मैं उनको बोल रहा हूं। देखिए कहने का मतलब कि यार ये छोटे छोटे पॉइंट को आप समझिए मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। प्रैक्टिस करिए आप प्रैक्टिस करिए, आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए, लेकिन पढ़िए आप ऑफलाइन, अपने से पढ़िए ना यार। क्या क्या है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, एवरेज क्या है, कौन से लेवल का है भैया, एज वेज, टाइम एंड वर्क, 10 के लेवल का भी तो नहीं होता ये सब चीजें। हाँ डीआई तगड़ी आती है, तगड़ी नहीं आती, कैलकुलेटिव आती है।
और जब तक आपके ये अर्थमेटिक के टॉपिक कंप्लीट नहीं होते हैं, आप अच्छे से आप डीआई क्यों करने आते हो, तो ये भी समझना पड़ेगा आपको। मैं कभी मैथ रीजनिंग में घुसता नहीं हूं, कभी घुसूंगा आपसे बात करूंगा इस पर भी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भाइयों अपने ऊपर विश्वास रखिए, आपका सिलेक्शन होगा, अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, आप पेपर को देखिए, पेपर को वॉच करिए, कितने लोगों ने आईडीबीआई का पेपर देख लिया पूरा क्वेश्चन आंसर, क्योंकि आपका, मैं आपको बता रहा हूं, आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी और आईडीबीआई, अगर ये तीनों पेपर आपने नहीं पढ़े तो पढ़ के जाइएगा, मैं गारंटी ले रहा हूं कम से कम 10 क्वेश्चन इससे फंसे, मैं गारंटी ले रहा हूं, ये हर बार होता है। जिनका आगे आईबीपीएस का एग्जाम होगा वो क्या करेंगे, वो आरआरबी का, आईडीबीआई का, जितने भी एग्जाम्स हुए उसका पेपर लेके जाइए, देखिएगा आपको बहुत फायदा इससे होता है। लेक्चर लंबा हो गया शायद, आई थिंक पल्लवी इट्स योर हार्डवर्क बेटा, हमने जो पढ़ाया उसे ग्रैप्स आपने किया, ग्रैप्स किया, यह अच्छी बात होती है। चलिए आगे गाइस, तो ये देख लेते हैं क्वेश्चन यहां पर हो गया, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन 52 आपके सामने, यूके सिन्हा कमेटी बनी थी, आपको बताइए ठीक है, आंसर इज 5000 करोड़ रुपीज, आपको बताया। नेक्स्ट पॉइंट, आंसर इज न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर 5। गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इसका आंसर क्या होगा, न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर 5। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इज न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर 1 गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। By 2030 देख लीजिए, मैंने आपको ये, आज आपने मेरा सीए देखा होगा तो मैंने इसका रिवीजन आपको कराया है। By 2030 इंडिया एम्स टू सेटअप रिनेबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी ऑफ हाउ मच गीगावाट, ये आपसे पूछा गया, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 500 गीगावाट, ऑप्शन नंबर 4। 500 गीगावाट ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं। यहां पर द दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड डिफॉल्टेड ऑन अनसिक्योर्ड कमर्शियल पेपर। गाइज अगर आपने मेरा परसों का सेशन देखा होगा जो मैंने अनअकैडमी प्लस पर लिया था, मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए थे, और आपको पता है कि अगर हम बात करते हैं कमर्शियल पेपर की तो 1990 में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशले बार्टी डेथ्रोन्ड नॉमी ओसाका टू बिकम वर्ल्ड नंबर 1 वुमेन्स टेनिस प्लेयर रिसेंटली, तो बार्टी कहां से, ये आपको बताइए कहां से है, आपको बताइए कहां से है, ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर। हां पल्लवी शायद नहीं, हां 1989 सीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी पॉलिटिक्स इंट्रिग्यू एंड अ डेडली प्लॉट has been penned by who among the following, we have 5 options, aur iska answer kya hoga guys, iska answer hoga Meenakshi Lekhi, option number 1, Meenakshi Lekhi is right answer। Next question, the book titled lesson life taught me unknowingly is the autobiography of who among the following,
प्रियंका कुमारी आपका कमेंट जा रहा है बेटा, मैं देख रहा हूं कमेंट आपका। एंड द आंसर इज अनुपम खेर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज गिवन अ 2-year एक्सटेंशन एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग रिसेंटली। तो आपको यह भी पता है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अमिताभ कांत। अच्छा पल्लवी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म वेल मरंगल वॉन द अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग आर्टिस्टिक अचीवमेंट एट द 22nd शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिसेंटली। वेल मरंगल, तो देख लीजिए, वेल मरंगल नाम से लग रहा है कि ये एक मलयालम मूवी होगी। ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर 4, मलयालम फिल्म इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द वर्ल्ड बैंक रिसेंटली अप्रूव अ $147 million लोन टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ म्यूनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। $147 million की बात कर रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ म्यूनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो अब देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। एंड द आंसर इज झारखंड, ऑप्शन नंबर 4। तो झारखंड $147 million वर्ल्ड बैंक ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबेस्टियन पिंड्रा इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। हिज रिसेंट विजिट टू जेरूसलम होली साइट वॉज प्रोटेस्टेड बाई इसराइल। तो यहां पर हम सेबेस्टियन पिंड्रा की बात कर रहे हैं, ये किस कंट्री के प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं? और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर चिली है, ऑप्शन नंबर 1, चिली। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओसाका इज होस्टिंग द G20 समिट ऑन 28th एंड 29th जून, दिस इज विच समिट। तो आपको पता है कि जापान में इस बार समिट हुआ G20 का, और ये कौन सा समिट था? ये 14वां समिट था। तो 15वां कहां होगा ये भी आपको पता है। आंसर इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, द 32nd कांग्रेस ऑफ द इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन वॉज हेल्ड रिसेंटली इन विच सिटी। और इसका आंसर क्या होगा? हैदराबाद, ऑप्शन नंबर 2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैदराबाद इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी रिसेंटली स्ट्रेप्ड ओलंपिक स्टेटस फ्रॉम द ट्रबल्ड वर्ल्ड बॉक्सिंग बॉडी AIBA। तो AIBA इज हेडक्वार्टर्ड इन, तो AIBA का हेडक्वार्टर कहां पे, ये आपसे पूछा गया। वी हैव 5 ऑप्शंस। तो लुसाने इसका भी हेडक्वार्टर, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ वर्किंग ग्रुप फॉर द रिविजन ऑफ द करंट सीरीज ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स, द चेयरमैन ऑफ द वर्किंग ग्रुप इज। एंड द आंसर इज रमेश चंद, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which cricketer has become the fastest batsman to reach 20,000 international runs? और ये हमको बताइए कौन है? ये विराट कोहली, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। विराट कोहली इज राइट आंसर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्यूनिटी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट अल माजबेक अटाम बाये वॉज लिफ्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली, पेविंग द वे ऑफ हिस प्रोसिक्यूशन। And the answer is Kyrgyzstan, option number 5. Kyrgyzstan is right answer. Next question. Go Tribal campaign was launched in New Delhi recently. The Tribal Affairs Minister in the present Union Cabinet is.
आंसर इज अर्जुन मुंडा, ऑप्शन नंबर फोर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार भी कोई चेंजेस नहीं हुए, आपको पता ही है. इस बार भी सितंबर के बाद भी कोई चेंजेस नहीं हुए, मैंने कराया ये पॉइंट आपको. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला वन चैंपियनशिप की बात हो रही है. आंसर इज लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन नंबर वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिजीनियसली डेवलप्ड न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल पृथ्वी टू was successfully test fire recently. The surface to surface missile has a strike range of. तो पृथ्वी टू की बात कर रहे हैं, सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल है और इसकी रेंज है 350 किलोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज साइंड अ लोन एग्रीमेंट वर्थ $400 million विद द वर्ल्ड बैंक टू हेल्प ट्रीट एंड एलिमिनेट फ्रॉम द कंट्री. और इसका आंसर होगा ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन नंबर फाइव. तो इंडिया ने $400 million लोन एग्रीमेंट किया है वर्ल्ड बैंक के साथ टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, हां पल्लवी, हां आंसर इज नरेंद्र बत्रा, ऑप्शन नंबर थ्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, and the answer is 27 June. Option number 4 is right answer. Next question, which person has bestowed upon an honorary doctorate by IIT Kanpur on the occasion of their 52nd convocation recently. Ye bhi acha question hai, important question hai. Aur answer kya hoga dekh lijiye iska. ठीक है, आंसर इज पुरेला गोपीचंद. चलिए गाइस, तो समय यहां पे हमारा समाप्त होता है और इसकी पीडीएफ ग्रुप पर आपको मिल जाएगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ मिल जाएगी, तो और भी क्वेश्चन जो बचे वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग, अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सेशन देखने के लिए, आपने देखा और आपने लाइक भी किया, थैंक यू सो मच. खूब पढ़िए, आगे बढ़िए, जो मैंने आपको गाइडलाइंस अभी दी है कि थोड़ा सा अपने आप को बड़ा समझिए और एग्जाम को छोटा समझिए. एग्जाम से डरिए मत, डर आपके पास तब तक आएगा जब तक आप डरेंगे, और जब आप डर का सामना करेंगे तो डर आपसे दूर भाग जाएगा. थैंक यू सो मच.